दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कभी आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? उसकी शाखाएं, उसकी बेलें कितनी विशाल होती हैं। कभी आपने सोचा है इस बारे में कि वो किस तरीके से संभालता होगा इतनी बड़ी शाखाओं को, इतनी बड़ी डालों को, इतनी बड़ी डालें और शाखाओं की वजह से वो वृक्ष झुकता क्यों नहीं है, वो एक और टूट क्यों नहीं जाता, फिर भी वो उन शाखाओं और बेलों को संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बरगद के वृक्षों से निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं ये समय प्रति समय ये भरती जाती हैं और धरती की ओर खिंचती जाती हैं, और जब ये धरती से मिल जाती हैं तो ये जड़ें बना लेती हैं और स्वयं आधार बनकर इस बरगद के पेड़ को ढाल के रूप में सहारा देती हैं। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि हमारा जीवन भी कुछ इसी के प्रकार है। जो मनुष्य, जो संसार, जो प्राणी इस संसार में परोपकारी है, जो एक अच्छी सोच रखता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो परोपकारी है, उसको घबराने की जरूरत नहीं। दोस्तों अगर आप ऐसे हैं तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कभी समय की मार कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक सही समय आने पर लोगों को कभी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कर्म ही उनकी ढाल के रूप में काम करेगा और वो वृक्षों के डालों के समान उनको ढाल बनकर उनको सहारा देगा। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में सिर्फ सफल होना मत देखिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आप दिन रात एक करके किसी चीज़ को पाने में मेहनत तो करेंगे, पर दोस्तों हो सकता है इसमें आप सॉर्टी बन जाएं, हो सकता है आप किसी को, किसी के बारे में सोचना भूल जाएं, हो सकता है आप अपने कर्म क्षेत्र को बिगाड़ लें। सो दोस्तों मैं इस वीडियो से आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि परोपकारी बने रहें और साथ में मेहनत करते रहें। आप देखेंगे जीवन में आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकता और आपसे ऊपर कोई जा नहीं सकता। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।